फ्रेंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द पोएट टाइगर ऑफ विलियम ब्लैक। आज मैं विलियम ब्लैक की कविता टाइगर को संक्षिप्त में इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। इसके बाद जो है मैं आपको कविता को इस कविता के स्टेंजा को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले आई मीन टू से दैट विलियम ब्लैक वॉज ऑल्सो द पोएट ऑफ न्यू क्लासिकल एज एंड प्री रोमांटिक एज। जैसा कि BA फर्स्ट ईयर के सिलेबस में प्री रोमांटिक एज पोएट एंड न्यू क्लासिकल एज पोएट में ये जो है लास्ट कविता है, मतलब कि लास्ट पोएट हैं, लास्ट कविता है इनकी यूनिट के अनुसार। तो आज मैं विलियम ब्लैक के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा सा। सो ऑल ऑफ फर्स्ट वी शुड नो अबाउट द डेट ऑफ बर्थ ऑफ विलियम ब्लैक आर द पोएट हु हैज रिटन द पोएम। जो जैसा कि आज टाइगर नाम की जो कविता है, जैसा कि इट इज ए सिम्बॉलिक पोएम, इट इज वेरी फेमस पोएम द टाइगर, इट इज वर्ल्ड फेमस पोएम। मतलब ये थोड़ा सा बहुत ही प्रसिद्ध कविता है द टाइगर, और इसको एक सिम्बॉलिक पोएम के रूप में कवि ने जो है वर्णित किया है। तो उसके पहले मैं जो है उसके जीवन लेखन, मतलब उसके जीवनी पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। सो आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट द डेट ऑफ बर्थ ऑफ विलियम ब्लैक। सो इट इज सेड दैट विलियम ब्लैक वॉज एन इंग्लिश पोएट। इट इज ऑल्सो विलियम ब्लैक वॉज ऑल्सो एन इंग्लिश पोएट। सो इन द सेकेंड पॉइंट ही वॉज बॉर्न इन 1757 18 नवंबर। मतलब विलियम ब्लैक के बारे में चर्चा करते हुए हम उसके जीवन पर प्रकाश डाल रहे हैं, जिस पर जो है उसका जो डेट ऑफ बर्थ है, उसका जो जन्म है वो है 1757, 28 नवंबर 1757। सो मेनी सरकमस्टांसेज, मेनी प्रॉब्लम हैज कम टू द लाइफ ऑफ विलियम ब्लैक। सो ही फेस्ड दीज सरकमस्टांसेज इन वेरी इजी वे टू सफरिंग द लाइफ। ही हैज लॉस्ट सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड मेम्बर ऑफ हिज फैमिली। सो इट इज सेड दैट ही वॉज बॉर्न इन द सिटी ऑफ लंदन। ही वॉज ऑल्सो बॉर्न इन द सिटी ऑफ लंदन। विलियम ब्लैक वॉज बॉर्न इन द सिटी ऑफ लंदन। सो अबाउट हिज फादर कैरीड ऑन ए पीटी होजरी बिजनेस। जो इसके पिताजी थे वो होजरी बिजनेस, मतलब एक कपड़े के व्यवसाय में उनका जो है बिजनेस चल रहा था, मतलब वो कपड़े के एक व्यवसायी थे, सूती कपड़े के एक व्यवसायी थे। एंड ही वॉज नॉट सो रिच दैट ही कुड प्रोवाइड सफिशियंट फैसिलिटीज टू विलियम ब्लैक। मतलब उनकी ऐसी स्थिति नहीं थी कि जो, मतलब कि वो व्यवसाय के दृष्टि से, मतलब जो उनका बिजनेस था उनके उसके दृष्टि से वो बहुत ऐसे संपन्न व्यक्ति नहीं थे जो अपने पुत्र विलियम ब्लैक को सारी सुविधाएं मुहैया कराएं, मतलब कि शिक्षा से लेकर के जो भी चीज़ें उसके जीवन की आवश्यक वस्तुएं थे उसको उपलब्ध नहीं करा पाए। सो इट इज सेड दैट हिज फादर कैरीड एन ए पीटी होजरी बिजनेस। हिज फादर कुड नॉट इम्पोर्ट, मतलब प्रदान कर पाए, मतलब उनको दे पाए, प्रोवाइड कर पाए ये रेगुलर एजुकेशन। मतलब कि ये कहा जाता है कि विलियम ब्लैक को उनके पिताजी द्वारा रेगुलर, मतलब नियमित, मतलब कि एजुकेशन, मतलब शिक्षा को नियमित रूप से, शिक्षा की उपलब्ध फैसिलिटी नियमित रूप से उनको नहीं दे पाए। इट इज सेड दैट टू हिज सन ड्यू टू पॉवर्टी। ये कहा जाता है कि जो उनका परिवार था, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है जो होजरी बिजनेस था उनके परिवार में, मतलब एक ट्रेडिशनल बिजनेस उनके परिवार में चलता था, पारंपरिक बिजनेस उनके परिवार में चलता था, वो क्या था, सूती कपड़े का व्यापार, मतलब कि कपड़ों को बेचने का। तो यहाँ कहा गया कि ड्यू टू हिज पॉवर्टी, मतलब अपने निर्धनता के कारण उन्होंने क्या नहीं कर पाए, हिज फादर कुड नॉट इम्पार्ट रेगुलर एजुकेशन टू हिज सन, मतलब अपने पुत्र को नियमित रूप से शिक्षा मुहैया नहीं करा पाए, शिक्षा की जो सुविधा थी, मतलब शिक्षा जो उनको देना चाहिए था, प्रोवाइड कराना चाहिए था, वो नहीं करा पाए। क्यों? क्योंकि उनको बड़ी विपन्नता थी, बहुत निर्धन थे। इट इज सेड दैट
इट इज फाउंड दैट ये देखा जाता है, ये पाया जाता है कि द कंडीशन ऑफ द लाइफ ऑफ विलियम ब्लेक फैमिली वाज वेरी मीगर, बहुत ही वैसी थी, मतलब कि क्या कहते हैं कि बहुत विपन्न थी, मतलब कि मतलब इतनी मतलब बहुत कम थी, बहुत लेस थी. सो ही वाज ही हैज नॉट सफिशियंट फैसिलिटीज टू गेट द एजुकेशन इन हिज लाइफ इन हिज रेस्ट लाइफ. सो इट इज सेड दैट दस विलियम ब्लेक वाज नियरली सेल्फ एजुकेटेड मैन. इट इज सेड दैट विलियम ब्लेक आल्सो ए सेल्फ डिपेंड स्टूडेंट इन हिज लाइफ, मतलब वो अपने जीवन में एक सेल्फ मतलब आत्मनिर्भर विद्यार्थी के रूप में उन्होंने सेल्फ एजुकेशन मतलब कि सेल्फ एजुकेटेड में अपने स्वतः अपने ऊपर निर्भर होकर के उन्होंने शिक्षा को प्रदान किया, शिक्षा हासिल किया था, अध्ययन किया, उन्होंने शिक्षा हासिल की. सो दिस वाज देयर आर फोर सन्स, द कंडीशन ऑफ हिज फैमिली इज रिटेन देयर, मतलब उनके परिवार की स्थिति को यहाँ पर जो है क्या कहते हैं वर्णित किया जा रहा है, मतलब व्याख्या की जा रही है. क्या कहा जा रहा है कि वो अपने परिवार में मतलब उनके जो पिता थे उनके संतानों में 4 पुत्र और 1 पुत्री उनके परिवार में जो कंडीशन ऑफ द फैमिली जो स्टैंडर्ड ऑफ द फैमिली वाज देयर 4 sons and 1 daughter. ब्लैक वाज सेकेंड सन ऑफ हिज फैमिली, मतलब अपने परिवार में अपने परिवार के मेंबर में जो विलियम ब्लैक था वो कौन सा था, सेकेंड नंबर का पुत्र था. सो इट इज सेड दैट देयर आर मेनी रिमार्केबल पॉइंट्स व्हिच हैज बीन रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ विलियम ब्लैक, मतलब कुछ ऐसी बिंदु हैं व्हिच वाज कंसीडर्ड व्हिच वाज प्रेस्क्राइब्ड डिस्क्राइब्ड बाय मी ऑन द ब्लैक बोर्ड. दीज लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच लाइन्स आर रिलेटेड टू हिज लाइफ टू द लाइफ ऑफ विलियम ब्लैक. सो इट इज सेड दैट देयर आर 4 sons, मतलब कहा जाता है कि उनके पिताजी के 4 पुत्र और 1 पुत्रियाँ थी, मतलब जो विलियम ब्लैक था, विलियम ब्लैक वाज सेकेंड सन ऑफ हिज फादर, मतलब अपने पिता का वो दूसरा पुत्र था. सो हिज इल्डर ब्रदर सक्सीडेड द होजरी बिजनेस, मतलब उसका जो भाई था इल्डर मतलब उसके बड़े भाई जो थे मतलब उससे बड़े, चूंकि ये सेकेंड नंबर का था, ये दूसरे नंबर का उसका मतलब अपने पिता का दूसरे नंबर का संतान था. सो द सेकेंड फर्स्ट सन आर द एल्डर ब्रदर ऑफ विलियम ब्लैक आर द फर्स्ट सन ऑफ हिज फादर वाज रिलेटेड टू द होजरी बिजनेस, मतलब घर का जो ट्रेडिशनल पारंपरिक जो व्यवसाय था उनके घर में, उस व्यवसाय में उनका जो बड़ा भाई था वो हाथ पटाता था, मतलब उन व्यवसाय में उनका जो बड़ा भाई था वो सफल था. The elder brother of William Blair was expert in the traditional business of his family. मतलब उसका जो भाई था वो अपने पिता के उस व्यवसाय में मतलब उनके पिताजी का जो व्यवसाय था फैमिली ट्रेडिशन ट्रेड मनी मतलब उनके पिता का जो पारंपरिक एकमात्र व्यवसाय था उसमें विलियम ब्लैक जो है प्राय विलियम ब्लैक का जो बड़ा भाई था वो भी नाम आएगा तो वो जो है हाथ बटाता था उसमें, वो कुशल भी था उसमें, वो सफल था. सो थिंकिंग अबाउट द लाइफ ऑफ थिंकिंग अबाउट द इंसिडेंट्स ऑफ विलियम ब्लैक सो वी कम हियर. हिज वन ब्रदर डाइड इन इन्फेंसी, चौथे भाइयों में मतलब उसको बताया जा रहा है विलियम ब्लैक के परिवार के बारे में कि उसका एक भाई था जो बचपन में ही मर गया था. हिज वन ब्रदर डाइड इन इन्फेंसी, इन्फेंसी मतलब होता है कि बचपना में ही मतलब प्रथम अवस्था में ही वो क्या हो गया था, दिवंगत हो गया, मर गया. इट इज सेड दैट सो विलियम ब्लैक थ्रेटन्ड बाई लेस देन रिक्वायर्ड इनकम, मतलब ये कहते हैं कि सो विलियम ब्लैक थ्रेटन्ड मतलब कि जब उसके भाई एक मर गए और एक छोटा भाई एक बड़े भाई जो थे वो व्यापार में लिप्त थे, व्यापारों में हाथ बटाया करते थे, तो वो अपने घर के मलिन हालत मतलब जितने पैसे की आवश्यकता थी जितने धन की आवश्यकता थी उससे कम धन जो आता था उससे वो भयभीत रहता था कि और मेरे परिवार का और मेरे भविष्य में और जो कार्य हैं वो कैसे होंगे, इसलिए वो हमेशा भयभीत रहता था. ही वाज कॉल्ड दैट ही वाज एन इमेजिनेटिव बॉय ऑफ हिज फैमिली, मतलब वो अपने परिवार का एक ऐसा व्यक्ति था विलियम ब्लैक जो अपने परिवार के बारे में पूर्ण रूप से सोचा करता था. सो ही वाज
थ्रेटेंड बाय लेस देन रिक्वायर्ड इनकम ऑफ फैमिली, मतलब अपने परिवार में जो इतनी कम आय थी उसके परिवार में जो इतनी कम आय थी उससे वो जो है भयभीत रहता था। कौन? विलियम ब्लेक। सो हिज यंगर ब्रदर, अब एक उसका छोटा भाई है, उसका क्या नाम है? रॉबर्ट। इट इज सेड दैट हिज यंगर ब्रदर रॉबर्ट वाज वेरी डियर टू हिम। अब देखे द कंडीशन चेंज ऑफ हिज फैमिली, सो द कंडीशन ऑफ हिज फैमिली आर कंडीशन ऑफ ब्लैक विलियम ब्लैक फैमिली चेंज सडनली। हिज यंगर ब्रदर रॉबर्ट वॉज वेरी डियर टू हिम। अब उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ वर्णन किया जा रहा है। इसका थोड़ा सा जो है उसका एक भाई है रॉबर्ट, वो जो है छोटा भाई है, यंगर ब्रदर है वो, क्या चूंकि एक भाई तो भी मर गया, आप देख रहे हैं उसमें बताया जा रहा है द स्टैंडर्ड द स्टेटस द लेवल्स ऑफ हिज फैमिली शोइंग हियर, मतलब यहाँ पर उसके परिवार की स्थिति को दिखाया जा रहा है। सो हिज यंगर ब्रदर रॉबर्ट वॉज वेरी डियर टू हिम, उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम था रॉबर्ट, उसका बहुत प्रिय भाई था। विलियम ब्लैक लाइक्स हिम वेरी मच, मतलब उसका जो भाई था मतलब विलियम ब्लैक उसको बहुत पसंद करता था। एंड ही हैड थ्रू आउट नर्स हिज ब्रदर, मतलब ये अपने छोटे भाई का, देखे भी आएगा बीमारी बीमारी है हमको लगता है ये भी मर जाएगा। हिज ब्रदर मतलब ये कहा जाता है एंड ही हैड थ्रू आउट नर्स हिज ब्रदर, अपने भाई की वो बहुत देखभाल करता था, सेवा करता था, नर्स मतलब संरक्षण देता था। बट रॉबर्ट डाइड एट अर्ली एज ऑफ 21 ईयर, लेकिन रॉबर्ट डाइड एट एन अर्ली एज, मतलब वो जो उसका भाई था वो बहुत कम अवस्था में जो है मर जाता है। ये रॉबर्ट जो है उसका भाई जो रॉबर्ट है ऐसा कहा जाता है कि सेड दैट हिज यंगर ब्रदर रॉबर्ट डाइड एट एन अर्ली एज ऑफ 21 ईयर्स, मतलब 21 वर्ष की अवस्था में ही उसका जो भाई है वो मर जाता है। सो ही वॉज ही फेस वेरी सॉफ्ट पोजिशन इन हिज लाइफ और ही वॉज सॉफ्ट एट द डेथ ऑफ हिज यंगर ब्रदर नेम्ड रॉबर्ट, ही वॉज ओनली 21 ईयर्स। इट इज दैट सो आई मीन टू से दैट द नेक्स्ट पॉइंट he was very brilliant child and his mind was very fertile, his mind was very fertile. it is said that he was very brilliant, matlab wo kaha jata hai ki wo bahut buddhiman tha, kushagra tha. his mind was very fertile, uska dimag bahut tezi se viksit ho raha tha, matlab he was very impressionized person. And he was thinking also about the future life. So fertile and imagination, मतलब उसका जो मन था, उसका जो विचार था, उसकी जो मतलब प्रखरता थी, वो काल्पनिक ढंग से, मतलब वो हमेशा जो है अपने भविष्य के बारे में हमेशा सोचता था, कल्पना करता था. So it was very important line which is related to the life of William Blake. So the next point. He was very imaginative and had attempted works writing at a tender age of 12 years. It is said that देखिए अब उसके जो imagination मतलब उसका जो काल्पनिक विचार है तो वो जो है यहाँ पर थोड़ा सा दिखाया जा रहा है कि he was very imaginative, मतलब वो बहुत ही काल्पनिक क्रियाशील व्यक्ति था and had attempted और लिखने का प्रयास किया, लिखा वर्ष कविताओं को राइटिंग एट ए टेंडर एज, एक नाजुक अवस्था में, मतलब ही रोल्ड ए पोएट राइटर एट द एज ऑफ 12 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, ही रोल्ड ए पोएट राइटर एट द एज ऑफ टेंडर एज ऑफ हिज लाइफ 12 ईयर्स, मतलब वो अपने जीवन के केवल और केवल 12 वर्ष की नाजुक अवस्था में उसने क्या लिखा, कविताओं को लिखना प्रारंभ किया, लिखने का प्रयास किया, लिखा। He died on August 12, 1827. It is the end. This line is related to the end of life of William Blake. मतलब ये जो है William Blake के अंतिम जीवन से संबंधित पंक्ति है, इसको जो है it is very important and these lines of birth and death. It is very important for the student. So it was said that he was born and died
1827। मतलब इस प्रकार से सम लाइन्स विच हैज बीन नरेटेड ऑन द ब्लैक बोर्ड, दीज लाइन्स आर रिलेटेड टू द लाइफ एंड डेथ ऑफ विलियम ब्लैक एंड द सफरिंग ड्यूरेशन एज ऑफ लाइफ। मतलब उसके जीवन के क्षेत्र में, मतलब उसके जीवन में जो मुसीबतें आई, जो कष्ट आए, जो परेशानियां आई, वो सभी इन पंक्तियों में जो है लिखित है, मतलब लिखा गया है। सो एट द लॉस विच आर द रिलेटेड ऑफ हिज लास्ट लाइफ एंड देयर लास्ट लाइन, द फर्स्ट पोएटिक कलेक्शन ऑफ ब्लैक अपीयर्ड विथ द टाइटल पोएटिक स्केचेज। जो विलियम ब्लैक था, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा वो अपनी कविता के बारे में, मतलब साहित्य के क्षेत्र में लिटरेरी वर्क के बारे में वो थोड़ा सा यहाँ पर बताते हैं क्या, कि द फर्स्ट पोएटिक कलेक्शन, मतलब उसका जो कवित्व, उसके पद्य का जो संकलन हुआ वो कब हुआ, ऑफ ब्लैक अपीयर्ड विद द टाइटल पोएटिक, पोएटिक स्केचेज मतलब के नाम, पोएटिक स्केचेज के नाम से 1783 ईस्वी में जब वो लगभग 26 वर्ष का था तो ये कार्य प्रारंभ हो गया। मतलब उसके जीवन में जो उसने कविताएं लिखी थी, उसका जो कलेक्शन था, उसका जो संकलन था, वो उसके जस्ट एज ऑफ 26 ईयर्स, मतलब 26 साल की अवस्था में वो प्रारंभ हो जाता है। वो वर्ष रहा था 1783 ईस्वी में। इस प्रकार से सम दीज लाइन्स विच आर रिलेटेड अबाउट विलियम ब्लैक, जैसा कि मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है, उसका जन्म 1757 और मृत्यु जो है 1827 ईस्वी में। इट इज सेड दैट विलियम ब्लैक वाज आल्सो न्यूक्लासिकल एज पोएट एंड प्री रोमांटिसिज्म एज पोएट, मतलब कि वो न्यूक्लासिकल एज और प्री रोमांटिसिज्म पोएट के रूप में जो है अंतिम कविता, मतलब उस एज की अंतिम कविता को जो है आप पढ़ रहे हैं, ये टाइगर। अभी थोड़ा सा हम इसके जीवन से संबंधित और बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं, इसके बाद जो है हम इसकी कविताओं पर चर्चा, इनकी कविता जो टाइगर है एक सिंबॉलिक पोएम है उस पर हम चर्चा करते हैं, इसके बाद हम आपको स्टेंजा वाइज कविता का अर्थ बताते हैं। सो व्हेन हिज पोएम्स वेयर कलेक्टेड, इट वॉज ए सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग पोएटिक स्केचेज। पोएटिक स्केचेज नाम से, मतलब उसका जो कलेक्शन हुआ, उसके पोएम्स का जो कलेक्शन किया गया, उसका नाम था पोएटिक स्केचेज। सो फर्दर वी थिंक दैट प्रिंसिपल पोएटिक वर्क ऑफ विलियम ब्लैक आर एज अंडर, उन्होंने जिन कृतियों का उल्लेख किया है अपने जीवन में, उनकी जो कृतियां रही हैं उनको हमने इस प्रकार से समराइज किया है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से विलियम ब्लैक ने अपने, मतलब कि जो साहित्यिक उनकी सेवा का जो जीवन रहा है, उसमें इन्होंने इस प्रकार की कृतियों का उल्लेख किया है, जिसको हम डेट वाइज जो है उल्लेख किए हैं। आप स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू शुड नोट अबाउट द पोएटिक वर्क ऑफ विलियम ब्लैक, इट वॉज ए प्रिंसिपल पोएटिक वर्क, एक मतलब कि एक बड़ा, मतलब प्रिंसिपल पोएटिक मतलब कि ये थोड़ा सा जो है दीर्घ पद्य का उनका जो पद्य का कार्य है, उनका जो पद्य उन्होंने संकलित किया है, मतलब प्रिंसिपल मतलब कि महान, वो इस प्रकार से हैं। क्या है, पहला है पोएटिक स्केचेज नाम की कृति है, जिसको ही वॉज रिटेन इन 1783। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, सो all these in number 15, these are very important, so you, it should be, these poems should be written by the student. Tyrell 1789, Songs of Innocence 1789, so the Book of Hell 1789 to 91, मतलब कि 1789 से 1891 के अंतर्गत इन्होंने इन कविताओं का, इन कृतियों का उल्लेख किया है। आई मीन टू से दैट दीज फोर पोएम्स, दीज फोर पोएटिक वर्क, दीज फोर लिटरेरी वर्क पब्लिश्ड इन द सेम आर इन द मिडिल एज ऑफ द पोएट 1783,
1789 to 1991. So further, विजन ऑफ डॉटर ऑफ एल्विया, मतलब विजन ऑफ डॉटर ऑफ एल्विया नाम की जो कृति है वो 1793 में पब्लिश हुई है, प्रकाशित हुई है. सो इन फर्दर सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब ये आप देख सकते हैं ये 1794 की जो कविता है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, इट वॉज ब्रॉट लंदन, लंदन नाम की कविता है जो इसी से ली गई है, इसी का एक मतलब उदाहरण है. तो अमेरिका ए प्रोफेसी, मतलब अमेरिका के विषय में एक भविष्यवाणी, मतलब आगे उन्होंने लिखा है जैसा कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस ऑफ एक्सपीरियंस को 1794 में उन्होंने प्रकाशित किया है, लिखा है. एंड अमेरिका ए प्रोफेसी, मतलब अमेरिका की एक भविष्यवाणी, उसको 1794 में. यूरोप ए प्रोफेसी, इट इज ऑल्सो सेम, प्रोफेसी मीन्स होता है भविष्यवाणी, ये भी 1794 ईस्वी में. द बुक ऑफ यूनिजेन 1794, द सॉन्ग्स ऑफ लॉस 1795, मतलब 1795 में इन्होंने लिखा है. इस प्रकार से 1794 में इन्होंने चार कविताओं का, चार कृतियों का उल्लेख किया है अपने जीवन में. एंड द नेक्स्ट, द सॉन्ग्स ऑफ लॉस वॉज रिटेन इन 1795 एंड द बुक ऑफ हानिया 1795 द बेल और द फोर जोज 1796 टू 1807 से 1807 ईस्वी तक इन्होंने ऐसा लिखा है. सो आप आगे देखते हैं, इन्होंने मिल्टन पर भी एक कृति, मिल्टन पर भी एक पोएटिक वर्ष इन्होंने प्रकाशित किया है, वो लिखा है 1804 से 1815 के बीच में. आगे आते हैं जेरूसलम, जेरूसलम नाम की जो कृति है उनकी है 1804 से 1815. आगे हम आते हैं एक और कृति है जिसकी रेट यहाँ पर कंफर्म नहीं है, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, मतलब स्वर्ग और नर्क की शादी, पाड़ी ग्रहण संस्कार बिटवीन स्वर्ग एंड नर्क. लंदन इज सिलेक्टेड फ्रॉम दिस बुक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, मतलब ये कहा गया है कि ये जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस नाम की जो इनकी कृति है उसी से ये जो है लंदन नाम की कविता को लिया गया है, जिस प्रकार से टाइगर को सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से 1794 में लिखा गया है. मतलब ये सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस नाम की जो उनकी पोएटिक मतलब उनका जो पोएटिक वर्क है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, उसी से टाइगर लिया गया है, जैसा कि टाइगर को आप भी पढ़ने जा रहे हैं, टाइगर का डिस्कशन करने जा रहे हैं, लंदन अभी नहीं, मतलब बस अभी टाइगर के बारे में हम आपको बताएंगे. तो इस प्रकार से जो है उनकी ये कृतियाँ रही हैं और डेट ऑफ हिज वर्क, लिटरेरी वर्क. सो फर्दर वी से ब्लैक वाज, वी से वी वांट टू से, आई वांट टू से फर्दर अबाउट द लाइफ विच लाइन्स आर रिलेटेड टू हिज लाइफ एंड द रिमार्केबल पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू हिज लाइफ आर. ब्लैक वाज ए पोएट, व्हेन द ग्रेट थिंग्स वेयर हैपनिंग इन फ्रांस, मतलब कि जब अब इन्होंने बताया कि इनके बारे में थोड़ा सा बताया जा रहा है कि ये किस समय के किस प्रकार के कवि हैं. तो ब्लैक वाज ए पोएट, मतलब इनको बताया जा रहा है कि ये उस समय के कवि हैं, विलियम ब्लैक वाज आल्सो ए पोएट, व्हेन द ग्रेट थिंग्स वेयर हैपनिंग इन फ्रांस आर द रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस, मतलब कि ये जब उस समय फ्रांस में ग्रेट थिंग्स वेयर हैपनिंग, कुछ महान घटनाएं घट रही थी, मतलब कुछ महान बातें जो है अकरिंग हो रही थी, घट रही थी, तब के ये कवि हैं. ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन, मतलब फ्रांस का जो क्रांति, फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उस समय की बात यहाँ पर लिखी जाती है कि इन फ्रेंच रिवोल्यूशन ब्लैक वाज ए इंग्लिश पोएट आल्सो. ब्लैक, विलियम ब्लैक उस समय के कवि थे जब जो है फ्रांस में कुछ मतलब कि क्या कहते हैं घटनाएं, कुछ फ्रेंच रिवोल्यूशन मतलब कि जब क्रांति हो रही थी उस समय के पोएट है. हम आगे देख चर्चा कर रहे हैं. ही वाज बेसिकली हार्ड स्ट्राइकर, स्ट्राइकर मतलब वो उनको कहा जाता है कि कठिन परिश्रम करने वाले, कुशाग्र बुद्धि वाले, मतलब इनकी बुद्धि जो थी बहुत कुशाग्र थी, बहुत तेज थी. आपने जैसा देखा कि अपने छोटे से उम्र में ही कविताओं का सृजन करना प्रारंभ कर दिया था. सो आई थिंक दैट ही वाज बेसिकली हार्ड स्ट्राइकर, मतलब वो बहुत कठिन, मतलब कठिन समय में वो क्या कहते हैं साहित्य में जो है उन्होंने बहुत
क्या कहते हैं कविताओं का सृजन किया है। सो ही वॉज ओरिजिनल इन हिज कॉन्सेप्ट एज वेल एज हिज पोएटिक प्रेजेंटेशन। ये कहा जाता है कि ही वॉज ओरिजिनल इन हिज कॉन्सेप्ट, मतलब उनका जो मुख्य विचार था वो बहुत क्या कहते हैं कि ओरिजिनल, मतलब कि मतलब उनके जो विचार थे कविता के तरफ, कविता लिखने के जो उनके विचार थे वो बहुत मुख्य बिंदुओं से संबंधित थे। उनका जो विचार था वो बहुत ओरिजिनल था, बहुत मतलब कि सटीक। एज वेल एज हिज पोएटिक प्रेजेंटेशन, जैसा कि उन्होंने कविता का प्रस्तुतिकरण जो किया है उसमें उनका जो वो था कविता का जो कॉन्सेप्ट है उसका स्रोत जो है सत्य वाला है, मतलब सत्य स्रोत से उन्होंने कविता को प्रस्तुत किया है और उनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ओरिजिनल रहे हैं। सो इन फर्दर ब्लैक स्टैंड्स इन लाइन विद द ग्रेट पोएट्स लाइक, मतलब ये कवि उस समय के हैं विलियम ब्लैक, इनके बारे में थोड़ा सा सुनिए, बता रहा हूँ आगे। सो आई मीन टू से दैट विलियम ब्लेक के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ और पंक्तियां हैं उनसे, उनके जीवन से संबंधित, उनको महान मतलब सिद्ध करने के लिए, तो आप हम उस पर चर्चा करते हैं थोड़ा सा देखिए। विलियम ब्लेक आल्सो स्टैंड्स इन लाइन विद द ग्रेट पोएट, मतलब विलियम ब्लेक को उन कतारों में कवि माना जाता है, उन कतारों वाला कवि माना जाता है जिन कतारों में ये महान कवि, महान साहित्यकार, महान पद्य साहित्यकार थे। मतलब ये कहा जाता है कि विलियम ब्लेक उन लोगों के बीच, उन पंक्तियों में थे जहाँ पर कौन कौन थे, पोएट लाइक थॉमस ग्रे, जैसा कि आप जानते हैं थॉमस ग्रे जो है बहुत महान कवि है, कॉलिंस एंड बर्न्स, दीज आर द पोएट्स हु आर वेरी इंपॉर्टेंट पोएट ऑफ दैट एज वेयर दे आर गिविंग देयर सर्विस टू द लिटरेचर ऑफ इंग्लैंड, टू द लिटरेचर ऑफ इंग्लिश, मतलब अंग्रेज मतलब अंग्रेजी साहित्य में जहाँ पर इन लोगों ने अपनी सेवा की है, जहाँ पर इन लोगों ने अपनी महारत हासिल की है, उनकी श्रेणी में विलियम ब्लेक को रखा जाता है। आई मीन टू से दैट विलियम ब्लेक वाज आल्सो ही वाज स्टैंडिंग इन द लाइन्स विद ग्रेट पोएट्स लाइक थॉमस ग्रे, लाइक कॉलिंस, लाइक बर्न्स एंड गुड नंबर ऑफ क्रिटिक हैव हेल्ड हिम ए ग्रेट लिरिस्ट। देखिए अब यहाँ बताया जाता है कि लोग कैसे थे, एंड गुड मेंबर, गुड नंबर ऑफ क्रिटिक्स, मतलब ये लोग आलोचनात्मक कवियों में सबसे अच्छे नंबर, सबसे अच्छे ख्याति प्राप्त वाले कवि थे, जिन लोगों ने क्रिटिक्स हैव हेल्ड हिम, मतलब जो जिन लोगों ने उसको क्या बनाया, एक ग्रिस लेस ऑफ ग्रेट एज, मतलब उसको एक महान, एक अच्छे समय में उसको एक ग्रेट लिरिस्ट, मतलब कि कविता लिखने वाला एक महान कवि, इन आलोचकों ने मिलकर के, इन आलोचकों की प्रेरणा से विलियम ब्लेक मेड हिमसेल्फ ए ग्रेट लिरिस्ट ऑफ ए ग्रेट एज। विलियम ब्लेक मेड हिमसेल्फ ए ग्रेट लिरिस्ट ऑफ ए ग्रेट एज। जैसा कहा जाता है कि विलियम ब्लेक ने अपने महान जीवन में सबसे अच्छी उपलब्धि, मतलब एक महान कवि के रूप में प्राप्त किया इन लोगों की मदद से जो इनके मित्र थे, जिनकी पंक्तियों में, जिनके साथ, जिनके आगे पीछे इनके कृत्य को, मतलब विलियम ब्लेक के कृत्य को कंसीडर किया जाता है, आंका जाता था, उन पंक्तियों में विलियम ब्लेक को रखा जाता है, उन पंक्तियों में विलियम ब्लेक को माना जाता है। सो आई मीन टू से दैट एट द लास्ट लाइन विच आर रिलेटेड द लास्ट इशूज, द लास्ट पॉइंट ऑफ विलियम ब्लेक इन ए सेंस, मतलब एक कथन में ये भी मान लीजिए, मतलब थोड़ा सा ये संदर्भ दे रहे हैं, इन ए सेंस मतलब ये भी माना जा सकता है, ही वॉज ए ग्रेट रिफॉर्मर, वो मतलब उनको सुधारक भी बोला गया, ही वॉज ए ग्रेट रिफॉर्मर ऑफ हिज सोसाइटी वेयर ही इज लिविंग, मतलब वो जहाँ पर रह रहे थे, जिस देश में, जिस सोसाइटी, जिस समाज की वो सेवा कर रहे थे, इनके बारे में एक ग्रेट रिफॉर्मर का भी कॉन्सेप्ट आता है कि ये कौन थे, किस प्रकार के व्यक्ति थे, एक ग्रेट रिफॉर्मर थे, एक सुधारक, बहुत अच्छे महान सुधारक थे ऑफ हिज टाइम्स, अपने समय के। सो एंड इन हिज पोएटिक वर्क, मतलब इनके जो पद्य, इन्होंने जो पद्य की सेवा की है अंग्रेजी साहित्य में, इन्होंने जो पद्य को लिखा है, पद्य को प्रकाशित करवाया है, उसमें इनको देखा जाता है ही वॉज ऑल्सो ए ग्रेट रिफॉर्मर ऑफ हिज टाइम्स ऑफ हिज एज वेन ही वॉज राइटिंग पोएटिक वर्क, जब वो कवित्व मतलब कि पद्य
के कार्य को पद्य अर्थात कविताओं को लिख रहे थे, तो उसी समय इनके भाव से द फीलिंग द सेंस ऑफ विलियम ब्लेक एंड क्या कहते हैं कि मोटो, मतलब उनके जो भाव थे, उनके जो उद्देश्य थे, मोटो ऑफ विलियम ब्लेक एंड द सर्विस विच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय विलियम ब्लेक इनटू द सोसाइटी ऑफ दैट कंट्री, इट वाज कंसीडर्ड एज दैट विलियम ब्लेक वाज ए लिरिस्ट एंड पोएटिक एंड रिफॉर्मर ऑफ हिज एज। मतलब वो बार बार बात बताई जा रही है कि जब विलियम ब्लेक जो है उस समय कविता का सृजन कर रहे थे, तो उस समय उनकी कविताओं के माध्यम से उन्होंने जो कविता का सृजन किया, उसके जो उद्देश्य रहे होंगे, उसके जो थीम रहे होंगे, उस थीम के माध्यम से इनको क्या माना गया, ग्रेट रिफॉर्मर ऑफ हिज टाइम्स एंड हिज पोएटिक वर्क आल्सो। सो आई मीन टू से दैट दीज लाइंस आर रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ विलियम ब्लेक एंड सम वर्क्स ऑफ विलियम ब्लेक विच हैज बीन कंसीडर्ड इन हिज ड्यूरिंग time of his life. So these are given on the blackboard and the dates and the occurring dates and the publishing date and the written dates of the poetic work are given before it. So these 15 poetic works which are under principal poetic work, these has been discussed today. These poems and his poetic works have discussed today and about the manner and about the age of his poetic life and London and Tiger, which are very important, which are the world level poem. Tiger is also world level poem, has been drawn from Songs of Experience 1794. I mean to say that these lines are very important, it should be noted down by the students. So in the next view, I want to discuss about the poem and I will discuss about the poem The Tiger. So the life of William Blake has been discussed today and some remarkable and important lines which are related to the life of William Blake are considered there. So आप लोग जो है, अब हम टाइगर नाम की जो उनकी कविता है, जो एक सिंबॉलिक पोएम है, मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप लोग लगे रहिए, देखते रहिए। अबाउट द पोएम द टाइगर, जैसा कि आप लोगों को विलियम ब्लेक की कविता टाइगर, जो एक सिंबॉलिक पोएम है, कवि ने यहाँ पर आप देखते होंगे कि टाइगर की जो स्पेलिंग है वो थोड़ा सा आपको भिन्न दिखाई पड़ रही होगी कि TYGER क्यों लिखा है। तो टाइगर का मतलब यहाँ होता है, इट मीन्स द टाइगर TIGER, बट इट इज ए सिंबॉलिक पोएम, ये प्रतीकात्मक कविता है। इसको कवि ने एक प्रतीक के रूप में, मतलब यहाँ जो टाइगर है वो एक प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। जैसा कि कवि के मन में, और वैसे भी कवि के मन में ये विचार आ रहा है कि इतने भयंकर, इतने विशाल, इतने बड़े, इतने मतलब क्या कहते हैं कि बड़े बड़े क्रिएचर्स, मतलब बड़े बड़े प्राणियों का यहाँ पर निर्माण किया गया है। तो कवि के मन में ये बात आ रही कि ये इतना भयानक, इतना क्रूर, इतना निर्दयी प्राणी को बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो कवि ने यहाँ पर इसको एक सिंबॉलिक पोएम के रूप में, प्रतीकात्मक कविता के रूप में वर्णन किया है और हमें उन प्रश्नों का ही जवाब दे रहा है जो हमारे मन में ये बातें उठ रही हैं कि यहाँ पर, मतलब यहाँ पर देखे, कुछ लोगों ने टाइगर को जो है वो सिंबॉलिक पोएम के रूप में माना है। वो जो टाइगर है वो समाज का एक, मतलब जैसे जो समाज में जो बुराई है, बुराई को आश्रय देने वाले जो लोग हैं, मतलब उस प्रकार के लोगों को ही ये प्रतीक माना गया है। मतलब ये टाइगर, वो भी टाइगर, मतलब एक राक्षस समाज के भेड़िए जो हैं उनसे भी इसकी तुलना की जाती है, और वैसे प्रतीकात्मक कविता के रूप में टाइगर से भी इसकी तुलना की जाती है। और टाइगर का क्यों निर्माण किया ये पोयम, ये पूछता है, मतलब कभी जो कवि के मन में ये विचार आता है कि टाइगर नाम का जो पशु है, टाइगर नाम का जो प्राणी है, इसकी आवश्यकता ईश्वर को क्यों पड़ी, इसके निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि इसके निर्माण में, मतलब इसका निर्माण अभी बताया जाएगा, आप देखेंगे जब आप पैसेज में पहुँचते हैं, पहुँचेंगे
तो वहाँ इसके निर्माण, इसकी आँखें, इसके हाथ, इसके मतलब शरीर किस प्रकार से क्यों बनाए गए, किससे बनाए गए, ये सवाल करता है कवि। उसके पहले हम इस पर चर्चा करते हुए ये कहना चाहेंगे कि जो टाइगर है वो सिंबॉलिक पोएम है, एक प्रतीकात्मक कविता है। तो यहाँ पर जो टाइगर है वही टाइगर की बात करते हैं जो मतलब वो जंगलों में रहता है प्राणी, मतलब जो एक भयंकर होता है, एक बहुत शक्तिशाली प्राणी होता है, एक अटैक करने वाला आक्रमणकारी प्राणी होता है, उसकी चर्चा करते हैं। और कुछ लोगों ने इसको ये टाइगर मतलब कि समाज के जो गंदे लोग हैं, समाज के जो व्यभिचारी लोग हैं, अनाचारी लोग हैं, अत्याचारी लोग हैं, उनसे भी इसकी तुलना की जाती है कि इनका क्यों निर्माण, मतलब इन ऐसे ऐसे लोग अगर समाज में हैं, इतने खराब लोग हैं, तो ऐसे लोगों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों ईश्वर बनाता है, उसने ईश्वर ने क्यों ऐसे प्राणियों का निर्माण कर दिया है, इसी का प्रश्न जो है मतलब कवि जो है जानना चाहता है, इसी के प्रश्नों का उत्तर कवि जानना चाहता है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर हम चर्चा करना चाहते हैं, कविता का थोड़ा सा सारांश हम आपको बताने जा रहे हैं कि कविता क्या मतलब है, क्यों लिखी गई है। तो आई मीन टू से दैट, मैं मेरे कहने का तात्पर्य है, यहाँ पहली लाइन है एक्सपीरियंस इज एन अननेसेसरी इविल, जो अनुभव है मतलब अनुभव का मतलब कि द गॉड हैज एक्सप्रेस्ड हिज ओन एक्सपीरियंस मेकिंग बाय ए वेस्ट क्रिएचर इट इज कॉल्ड ऑल्सो द टाइगर, मतलब एक बहुत बड़े प्राणी को बनाने का उसका एक जो अनुभव है वो बता रहा है कि एक्सपीरियंस इज एन अननेसेसरी इविल, मतलब जो अनुभव हो एक अनावश्यक बुराई के रूप में है। अनुभव करना मतलब जो अनुभव मतलब रियलाइज होना वो क्या है, एक अननेसेसरी इविल है। ये पहली लाइन से रिलेटेड है। आप देखें क्या है, दिस आइडिया हैज़ बीन डेवलप्ड इन ए लॉजिकल मैनर, आप तार्किक तरीकों से, मतलब ये कहा जा रहा है कि तार्किक तरीकों का मतलब ये तार्किक तरीकों का जो विकास हुआ, जो उद्भव हुआ, वो 1794 ईस्वी में इस कविता को लिख करके किया गया। मतलब कि टाइगर नाम की जो कविता है वो 1794 में लिखी गई है, मतलब उसके बारे में बताया जा रहा है, कवि बता रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब ये देखिए यहाँ कहा जा रहा है, अब यहाँ जो मतलब ये साइकिल है, ये मतलब कि एक इस अस्तित्व मतलब चक्रण है, एक प्रकार के मतलब जो अस्तित्व है उसका जो चक्रण है, मतलब कि संसार में जैसे हम आप जी रहे हैं, तो उसमें मतलब कि अस्थिरता अस्थिरता दोनों का चक्रण साइकिलिंग हो रही है। तो मतलब स्थिरता स्थिरता का यहाँ पर वर्णन करने का तात्पर्य है कि वो हमारे आपके विचारों को यहाँ पर जो है संकलित कर रहा है। अभी कभी आगे बताएगा कि हम जो है किसी भी अच्छे कार्यों का जो रिजल्ट होता है, बुरे कार्यों का जो रिजल्ट होता है, उसको जो है उपयोग करने के लिए बड़े आतुर रहते हैं, लेकिन जब हम गलत कार्यों का लाभ लेना चाहते हैं तो उसी से नाराज होकर के गलत कार्यों का जो ये दृष्टांत है, गलत कार्यों का जो हमारे आपके थॉट हैं, गलत कार्यों को यूज करने का जो थॉट है, उसी से नाराज होकर के इस पर जो है ऐसे प्राणियों का निर्माण करता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, द साइकिल ऑफ एग्जिस्टेंस मतलब अस्थिरता का जो अस्तित्व है बिकम्स परफेक्ट, मतलब अस्थिरता, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, हिंदी अंग्रेजी दोनों में बता दे रहा हूँ, जो अस्थिरता का इस संसार में अस्तित्व है वो कब पूरा होता है, मतलब ये पूछा जाए, पहला सवाल है, मतलब ये कविता के माध्यम से उसके सारांश के माध्यम से ये पहला सवाल बहुत संक्षिप्त में उसका सारांश में बताने जा रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हिंदी अंग्रेजी दोनों बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आए। क्या है, द साइकिल ऑफ एग्जिस्टेंस मतलब कि स्थिरता का जो अस्तित्व है वो तभी परफेक्ट होता है, तभी पूर्ण माना जाता है, कब, वेन गुड एंड इविल जॉय एंड सॉरो आर पुट टुगेदर, मतलब ये कहा जाता है कि अस्थिरता का अस्तित्व मतलब संसार अस्थिर है, हमारे आपके विचार अस्थिर हैं, मतलब ये पूर्ण तब हो जाएंगे, मतलब अस्थिरता का जो भाव है, अस्थिरता का जो विचार है हमारे आपके अंदर, वो पूर्ण तब हो जाएगा जब अच्छाई बुराई मतलब कि दुख और सुख एक साथ दिखाई पड़ते हैं, मतलब सुख और दुख अच्छाई बुराई एक साथ चलते हैं, एक साथ दिखाई पड़ते हैं, तो अस्थिरता का जो अस्थिरता का जो अस्तित्व है मतलब साइकिलिंग ऑफ एग्जिस्टेंस, साइकिल ऑफ एग्जिस्टेंस बिकम्स परफेक्ट, मतलब तब पूर्ण हो जाता है। वो कैसे, ए मैन इंजॉयज द ब्लिस ऑफ इनोसेंस एट, मतलब निर्दोष, मतलब ये इसमें कहा जा रहा है कि मनुष्य निर्दोष निर्दोषता के सुख को भोगता है। इन्होंने कहा, विलियम ब्लेक ने बताया कि जो व्यक्ति है वो निर्दोषता मतलब कि जो निर्दोषता नहीं है, वेयर देयर इज नो इनोसेंट, मतलब कि जहाँ पर ब्लेम नहीं है, जहाँ पर कॉजेज नहीं है, जहाँ पर रीजन नहीं है, उसके सुख को मनुष्य कैसे भोगता है,
मतलब उसको बड़े प्रेम से, मतलब उसको बड़े प्रेम से भोगता है, यूज करता है। एट फिर भी ही शुड रेडी टू फेस द रेथ ऑफ गॉड ऑल्सो। फिर भी जो क्या कहते हैं कि ईश्वर का, मतलब ये भी कहा जा रहा है कि फिर भी जो निर्दोषता के सुख को जो भोगते हैं, उसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि फिर भी ईश्वर के प्रकोप को, ईश्वर के कोप का सामना करने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। हम निर्दोषता के सुख को तो जरूर भोगते हैं, क्योंकि वहाँ पर सुख और दुख दोनों के साइकिलिंग जो है, उसको बताया गया कि तभी परफेक्ट होगी वह अस्थिरता, तभी परफेक्ट होगी जब ये चीज़ें उपलब्ध रहेंगी, ये चीज़ें कॉन्सेप्ट में रहेंगी, ये चीज़ें एग्जिस्टेंस में रहेंगी, मतलब अस्तित्व में रहेंगी। और हम ईश्वर के प्रकोप को तब भोगने के लिए मुझे तैयार रहना चाहिए कब, जब हम अपने निर्दोषता, मतलब हमारे अंदर जो निर्दोष, मतलब निर्दोष नहीं है, निर्दोषता के जो गुण है, निर्दोषता का जो ताप है, निर्दोषता का जो प्रभाव है, उसके द्वारा मिलने वाले सुख को हम तो भोगते रहते हैं, लेकिन ठीक उसी के संदर्भ में, मतलब जहाँ पर हमको सुख प्राप्त होती रहती है, ठीक उसी के संदर्भ में हमको क्या करना चाहिए, ईश्वर के प्रकोप को, रेथ ऑफ गॉड आल्सो, ईश्वर के प्रकोप को भी भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो क्यों, आगे देखिए। इफ ए मैन डिसओबेज गॉड बिकम्स एंग्री। अगर आप उसके आदेशों का पालन नहीं करेंगे, किसके, मतलब कि यहाँ पर ईश्वर की बात की जा रही है, अल्लाह की बात की जा रही है। यदि हम ईश्वर के आदेशों का पालन नहीं करेंगे, यदि उनके अनादर, उनका हम अनादर करते हैं, तो क्या हो जाता है। अब देखिए, यहाँ द कॉन्सेप्ट ऑफ द टाइगर हैज इज बीइंग कमिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइगर इज कमिंग आल्सो हियर। इफ मैन डिस ओबेज गॉड बिकम्स एंग्री। यदि आप, हम आप मनुष्य, मतलब ईश्वर के आदेश का पालन नहीं करते हैं, उनका अनादर करते हैं, तो क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है। मतलब यहाँ पर जैसे इसका प्रताप, इसका कॉन्सेप्ट, टाइगर का कॉन्सेप्ट क्यों आया, मतलब कि ऐसे मतलब कि खराब लोगों का कॉन्सेप्ट, मतलब समाज से अगर इसको आप जोड़ते हैं, तो समाज में इतने निर्दयी, इतने खराब, इतने व्यभिचारी लोग क्यों आए, समाज के भेड़िए क्यों आए, इसका रीजन बताया जा रहा है। और जंगलों में जिस टाइगर की बात करते हैं, जंगलों में उस टाइगर को क्यों देखा गया, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि हम तो अपने निर्दोषता के सुख को खूब भोगते रहते हैं, उसका खूब उपयोग करते रहते हैं, लेकिन उस सुख को भोगते हुए हमें ईश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जब हम आप तैयार नहीं रहेंगे, वी विल नॉट रेडी टू फेस द ऑर्डर, वी विल नॉट रेडी टू ओबे द ऑर्डर ऑफ द गॉड, तब क्या होगा, हिज एंगर इज मैनिफेस्टेड थ्रू मेकिंग ए स्ट्रेंथ क्रिएचर लाइक द टाइगर। तब हिज एंगर इज मैनिफेस्टेड, तब उसका जो क्रोध है, उसके आज्ञा का जो उल्लंघन है, उसके आज्ञा का अगर आप उल्लंघन करेंगे, तो वो उल्लंघन सैद्धांतिक घटनाओं के रूप में इस टाइगर का निर्माण करेगा। मतलब क्या करेगा, हिज एंगर, उसका मतलब क्रोध, ईश्वर का क्रोध मैनिफेस्टेड थ्रू, मतलब उसका जो, मतलब उसके आदेश का पालन न करना, तो वो क्या कहते हैं कि तब वो क्या करेगा, सैद्धांतिक घटनाओं के अंतर्गत वो स्ट्रेंज क्रिएचर लाइक टाइगर, टाइगर की भांति, इस चीते की भांति, मतलब एक ऐसे प्राणी का निर्माण कर देगा जो क्या करेगा, वैसे प्राणी का निर्माण करेगा जो बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही बल वाला, बहुत ही शक्ति वाला होगा। और वो क्या करेगा, तो आदेश का पालन, जिस आदेश, जिस ईश्वर के आदेश का पालन आपने नहीं किया है, तो उसके प्रकोप का प्रभाव उस प्राणी के निर्माण में होगा, मतलब उस प्राणी का निर्माण हो जाएगा ईश्वर का, ईश्वर के द्वारा उस प्राणी का निर्माण कर दिया जाएगा यदि आप उसके आदेशों का पालन नहीं करेंगे। आई मीन टू से दैट दीज लाइन्स एंड द समरी ऑफ द पोयम हैज बीन डिस्कस टुडे, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोयम फर्स्ट स्टैंजा। इसमें जो है, अब देखिए, अब आपने इसके जो समरी थे उसको आपने देखा, इसके समरी से आपको पता चलेगा, थोड़ा थोड़ा सा मैंने संक्षिप्त समरी बताया। पहला उसमें जो लाइन था, एक्सपीरियंस इज एन अननेसेसरी, मतलब हमारे आपके अंदर, हम जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, हम आप जो अनुभव करते हैं, उसकी बात करता है कि वो कैसा है, एक असामाजिक अनावश्यक बुराई है। तो उसी के संदर्भ में जो है, कवि और मतलब कि ईश्वर के बीच की जो वार्तालाप है, उस वार्तालाप से नाराज होकर, मतलब उन कार्यों को जिसको हमें, आपको कवि
करना चाहिए, वो अगर नहीं करते हैं तो उसका जो क्रोध है वो तब्दील हो जाता है, बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, किसमें? एक टाइगर के निर्माण में। ये जो टाइगर है, जैसा कि सिंबोलिक पोएम है, इट इज सेड दैट इट इज द वर्ल्ड लेवल पोएम, इट इज कॉल्ड, इट इज वेरी फेमस पोएम ऑफ विलियम ब्लेक। मतलब ये विलियम ब्लेक की सबसे प्रसिद्ध कविता है, वर्ल्ड लेवल की फेम इसको मिली है। मतलब ये क्या कहते हैं कि संसार, मतलब कि जो है संसार में इसको बहुत ही ख्याति मिली है, मतलब कंट्री में इसको बहुत ख्याति मिली है। जो टाइगर है, इट इज वेरी फेम पोएम ऑफ विलियम ब्लेक। सो आई मीन टू से दैट टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री। जैसा कि आप देख रहे हैं कविता का जो पैसेज है, इसकी पंक्तियों को मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखिए और मैं इसका अर्थ बताने जा रहा हूँ, आप देखिए कि इसका क्या अर्थ है, इसका निर्माण क्यों हुआ, कैसे निर्माण हुआ, इतना प्रभावशाली, इतना विशाल, इतना शक्तिशाली जानवर किन कारणों से कैसे बनाया गया, इसको देखते रह जाते। सो आई मीन टू से दैट द मीनिंग एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैसेज which has been discussed by me, tiger tiger burning bright। देखिए कवि के कहने का जो तात्पर्य है वो क्या है, अब थोड़ा सा इसको हम ले चलते हैं ऐसे दृश्य से, इसका मतलब थोड़ा सा मिलान करेंगे। एक जंगल का दृश्य है, मतलब जंगल में ये बताया जा रहा है कि टाइगर टाइगर, मतलब टाइगर वो टाइगर बर्निंग ब्राइट, मतलब जो चीता होता है। अब देखिए ये कह रहे हैं कि बर्निंग ब्राइट, तुम्हारे शरीर की जो बनावट है, चूँकि है क्या कि जैसे अब यहाँ पर हमको लगता है रात का माहौल है, इन द फॉरेस्ट ऑफ नाइट, मतलब रात में जंगल में ये बर्निंग ब्राइट हो रही है। बर्निंग ब्राइट का मतलब होता है कि जो चीता होता है उसके शरीर पर चितकबरे, मतलब कि जैसे लाइनदार जो है उसके शरीर की जो बनावट होती है उसकी बात करता है। कभी ये कहता है कि टाइगर टाइगर ओ टाइगर ओ टाइगर, तो इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, मतलब कि रात में जंगलों में, रात के समय में जंगलों में ये बर्निंग ब्राइट, मतलब एक बहुत तेज प्रकाश, मतलब एक बहुत तेज चमकने वाला, मतलब उसके शरीर पर जो पीले पीले और लाल लाल रंग के जो धारियां बनी हैं उसकी बात करता है कि बर्निंग ब्राइट इतने रात में जंगलों में, इतने रातों में तुम्हारे ये शरीर पर जो चमकती हुई धारियां हैं, तुम्हारे शरीर की जो बनावट है वो कैसे किसके द्वारा बनाया गया। कवि के कहने का तात्पर्य है कि वो चीते की तरफ संकेत करते करते हुए कह रहा है कि वो टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, मतलब तुम्हारे शरीर जो इतना तेजी से, बर्निंग मतलब जलते हुए, ब्राइट मतलब बहुत चमकते हुए, जो दिखाई पड़ रहा है, चमकने का मतलब ये होता है कि रात के प्रकाश, मतलब कि रात के बेला में जंगलों में, रात की बेला में जो चीता होता है उसके शरीर पर पीली और लाल रंग की जो धारियां बनी होती हैं वो बहुत तेजी से चमक रही हैं। तो कभी ये पूछता है कि ये रात में भी चमकने वाले तुम्हारे शरीर पर इतने जलते हुए अंगीठियों की भांत, मतलब आग की भांत, वो जलता हुआ जो चमकता हुआ जो चिन्ह है, चमकता हुआ जो मतलब कि प्रकाश दिखाई पड़ रहा है, वो जो चमक दिखाई पड़ रही है तुम्हारे शरीर पर, वो किसके द्वारा बनाया गया। मतलब कि तुम्हारे शरीर पर जो चिन्ह बने हुए हैं वो रात में भी चमकते हैं, उस चिन्ह को तुम टाइगर बताओ, किसने बनाया, कैसे बनाया, कहाँ से उसके सबस्टेंस, कहाँ से उसके पदार्थ, कहाँ से वो चीज़ें लाई गई। कभी द पोएट अगेन सेज दैट, वो देखे कहा जाता है द टाइगर इज ए ब्राइट क्रिएचर, मतलब वो जो टाइगर है वो टाइगर यही है, मतलब इसको जो है सिंबॉलिक प्रतीक के रूप में, सिंबल के रूप में इसको टाइगर टीवाई जी कहा गया है। इट बर्न्स इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, मतलब कि वो एक ब्राइट मतलब चमकीला प्राणी है, उसकी शरीर बहुत तेजी से चमक रही है। इस प्रकार का वो जो प्राणी है फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, मतलब कि वो जंगलों में रात के प्रहर में, मतलब रात में जंगलों में जो चमक रहा है, बर्न्स इन द नाइट, इट बर्न्स मतलब ये प्रकाश, इसकी ढांचा, इसकी जो बनावट है, मतलब इस प्रकार से जो उसके शरीर पर बनावट है इसकी बात करते हैं कभी। ये कहता है कि इट बर्न्स, मतलब ये भी चमकता है, कब चमकता है, रात में भी, कहाँ, जंगलों में, वो कैसे बना, जबकि कहा गया द टाइगर इज ए ब्राइट क्रिएचर, एक बहुत चमकने वाला, तेज चमकने वाला ये प्राणी है। सो आई मीन टू से फर्दर व्हाट इमॉर्टल हैंड, मतलब ये कहा जा रहा है कि
ऊंचाई और गहराई, मतलब हैंड और आई, मतलब कि ये कह रहे हैं कि व्हाट इमॉर्टल, इमॉर्टल का मतलब यहाँ पर गॉड से मतलब है, गॉड की बात की जा रही है कि व्हाट इमॉर्टल, मतलब इतने शाश्वत हाथ, मतलब इन किसके द्वारा, मतलब ये कह रहा है व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई फेयरफुल सिमेट्री, मतलब तुम्हारे इस भयावह शरीर को किसके द्वारा, मतलब ये पूछा जा रहा है कवि द्वारा, ये पूछा जा रहा है व्हाट इमॉर्टल, इमॉर्टल का मतलब यहाँ पर गॉड से मतलब है, तो व्हाट इमॉर्टल हैंड, मतलब कौन से ऐसे शाश्वत हाथ जो इतने लंबे, इतने चौड़े, इतने दूर तक मतलब रहे होंगे, जिसके द्वारा, मतलब इतने इतने लंबे इतने दूर की बात करता है, क्योंकि वो ये खतरनाक भी प्राणी है, तो जब खतरनाक प्राणी है तो उसके जो सबस्टेंस होंगे, उसके जो पदार्थ रहे होंगे, वो दूर से ही मिलाए गए होंगे, दूर से ही बनाए रहे होंगे, इसलिए वो बात करता है कि व्हाट इमॉर्टल हैंड, मतलब इतने शाश्वत, इतने स्थिर, इतने लंबे, व्हाट इमॉर्टल, मतलब ऐसे कौन दैवीय हाथ रहा होगा, कौन सा दैवीय हाथ होगा, मतलब यहाँ व्हाट इमॉर्टल, मतलब कैसा रहा होगा वो हाथ, कैसी रही होगी वो, मतलब कि जिसके द्वारा, मतलब उसकी आंखों की चमक, मतलब उसके हाथ को, उसके शरीर को कैसे, मतलब उसके चेहरे को, उसके शरीर को किन हाथों द्वारा बनाया गया, मतलब वो कैसा हाथ रहा होगा। कुड फ्रेम दाई फेयरफुल सिमेट्री, मतलब कुड फ्रेम दाई, मतलब दाई माने वो फेयरफुल, मतलब इसको तुमने इतने भयावह प्राणी, इतने भयावह चीते का निगाह निर्माण तुमने किस प्रकार से किया, अर्थात वो कौन सा हाथ रहा होगा, मतलब ईश्वर का वो कौन सा हाथ रहा होगा, अर्थात ईश्वर ने व्हाट इमॉर्टल हैंड, मतलब वो इमॉर्टल, मतलब वो कौन सा हाथ रहा होगा जो इतना प्रभावशाली हाथ रहा होगा जिसने उसको चीते का निर्माण किया, मतलब उसके फेयरफुल इस भयावह प्राणी का निर्माण किया। एक तरफ तो देखे इसका फेयरफुल सिमेंटिक, मतलब वो भयावह प्राणी का, मतलब प्राणी, मतलब वो चीते की बात करते हैं, और दूसरी तरफ ये बात करते हैं कि उसको किस प्रकार से बनाया गया। सो आई मीन टू से दैट प्रोफेसर बावरा, दिस इज ए पोएम पोएट, ही सेज दैट सिम्बोलिकली टाइगर स्टैंड फॉर द फायर फोर्सेज इन द सोल, मतलब ये कह रहे हैं कि प्रतीकात्मक रूप से टाइगर स्टैंड फॉर द फायर फोर्सेज, मतलब एक भयावह प्राणी की आत्मा, मतलब उसकी आत्मा इन द सोल, मतलब उसकी आत्मा में एक भयावह, मतलब एक बहुत तेज आग जैसे जलने वाले, मतलब कि आग को फेंकने वाले जैसे, ऐसी इस प्रकार का, मतलब कि प्राणी है, इस प्रकार का वो व्यक्ति है, इस प्रकार का वो प्राणी है जिसको गॉड ने बनाया था। विच आर नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस, अब यहाँ देखिए बॉन्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस मतलब अनुभव के बंधन को तोड़ने की बात करते हैं कि अनुभव का बंधन यही तोड़ेगा, मतलब ये कहते हैं कि अनुभव का बंधन ये तोड़ने वाले। विच आर नीडेड, जिसको आवश्यकता हो टू ब्रेक, मतलब तोड़ने की, द बॉन्ड ऑफ एक्सपीरियंस मतलब अनुभव के बंधनों को तोड़ने की जिसकी आवश्यकता है, मतलब इस प्रकार से उसको, उसका निर्माण किया गया। ही अगेन सेज, ही अगेन सेज दैट, मतलब वो आगे बताता है, वो जो है आगे कह रहा है, ही अगेन सेज दैट, वो आगे बोल रहा है, व्हाट इमॉर्टल हैंड एंड आई कुड हैव क्रिएटेड द फियरफुल सिमेंटी, मतलब इस प्रकार से वह कौन सा ऐसा हाथ रहा होगा, वह कौन सा ऐसा हाथ है जिसने इस भयानक, ही अगेन से, मतलब वो पुनः पूछता है, पुनः कहता है कि व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई कुड हैव क्रिएटेड द फियरफुल सिमेंट्री, ये ब्यूटी एंड क्रुएल्टी ऑफ द टाइगर, मतलब इस, मतलब उस टाइगर को देखने से, टाइगर एक तरफ तो सुंदर है क्योंकि उसके चेहरे की जो बनावट है वो सुंदर है, और दूसरी तरफ वो बहुत, मतलब क्रूअल, मतलब कि बहुत निर्दयी है, आक्रमणकारी है, वो किसी को छोड़ेगा नहीं, मतलब ये कह रहा है कि द फियरफुल सिमेट्री ऑफ ब्यूटी, मतलब उसकी सुंदरता, उसके निर्दयता, मतलब निर्दयी और सुंदर, मतलब बहुत अच्छे और सुंदर टाइगर को किसने बनाया, किन हाथों ने बनाया, किस प्रकार से बनाया, वो कौन से ऐसे ईश्वरी, कौन से ऐसे इमॉर्टल हैंड रहे होंगे जिसके द्वारा, मतलब कि कभी उसके क्या कहते हैं, चीते के उस चीते का निर्माण किया गया, उसके शरीर को बनाया गया। द पोएट मीन्स टू से दैट इन इन द इन थॉरोली मीनिंग ऑफ द, मतलब पूर्णतया जो
इस कविता का जो अर्थ होगा वही कहने का मतलब है कि देखिए आई रिपीट हियर, मतलब कि किस प्रकार के क्रूर हाथों, मतलब किस प्रकार के क्रूर हाथ और मतलब किस प्रकार के अमर हाथ और आंखों द्वारा इसका निर्माण किया गया है। जबकि एक तरफ ये कह रहे हैं कि चीता तो एक तरफ देखने में बहुत आकर्षक है, देखिए एक तरफ उसके आकर्षण उसके सुंदर मतलब कि शरीर की बात करते हैं और दूसरे तरफ वो बताते हैं कि वो एक भयानक तथा क्रूर प्राणी है, एक भयावह तथा क्रूर प्राणी है। इस प्रकार से कवि जो है यहाँ पर दो पक्ष की बात करता है कि किस प्रकार के अमरत्व मतलब अमर हाथ और आँख ने उसका निर्माण किया, मतलब कि उसको कैसे निर्माण किए होंगे इसकी बात करते हैं, और दूसरी तरफ दो पक्ष की बात करते हैं, दो बिंदु पर बात करते हैं कि एक तरफ वो बहुत क्रूर प्राणी है और दूसरी तरफ वो बहुत ही भयावह है, मतलब कि बहुत देखने में उसको डर लगता है, दूसरी तरफ कैसा है सुंदर प्राणी है। सो आई मीन टू से दैट द मीनिंग ऑफ द पैसेज हैज बीन टुडे कंप्लीटेड। सो ऑन द नेक्स्ट टाइम आई विल डिस्कस द सेकेंड स्टेंजा ऑफ द पोएम द टाइगर। सो आई होप दैट द मीनिंग एंड द एक्सप्लेनेशन एंड द समरी ऑफ दिस पोएम हैज बीन डिस्कस्ड टुडे एंड द स्टूडेंट्स वुड हैव बीन नोन अबाउट द मीनिंग एंड द समरी ऑफ द पोएम। सो आई थिंक दैट द स्टूडेंट्स शुड राइट शुड स्टडी द मीनिंग एंड द डिस्कशंस ऑफ द पैसेज एट द फ्रॉम द बुक व्हाई द थॉरली मीनिंग ऑफ द बुक द थॉरली मीनिंग ऑफ द पैसेज हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द टेक्स्ट बुक। सो विद द हेल्प ऑफ द टेक्स्ट बुक द स्टूडेंट्स शुड स्टडी द पोएम ऑफ विलियम ब्लेक। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोएम ऑफ द फॉर द स्टूडेंट्स एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोएम ऑफ द वर्ल्ड। सो इट इज ए सिम्बोलिक पोएम। थैंक यू वेरी मच।